जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मास किलिंग ऑफ माइग्रेंट एट सऊदी यमन बॉर्डर। देखो इथियोपिया देख रहे हो तुम, यहाँ पर इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ही गरीब, समझ में आ रहा है। और ऊपर से इस कंट्री का मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसे कंट्री हैं दुनिया में ना जिनको क्या है मतलब भगवान ने उनका साथ नहीं दिया, ठीक ना, उसमें ये इथियोपिया भी है। इतना बड़ा इसका बॉर्डर होने के बावजूद इसका कोई भी पार्ट जो है वो सटता नहीं है ओशियन के साथ, इसलिए ये लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाता है। क्या बन जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाता है, समझ में आया। इसी तरह से मेरे ख्याल से बोलीविया भी जो है पहले उसका हुआ करता था, फिर चिली ने ले लिया, कुछ बार बार का सिचुएशन है। बोलीविया भी क्या है, वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, समझ में आ रहा है। तो लैंड लॉक्ड होने से बहुत प्रॉब्लम होता है, ओके, उसका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा रुक जाता है एक तरह से। तुम्हें इन दोनों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, दिजिबूति और अर्टेरिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके तुम क्या कर सकते हो, सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हो। तो चलो उस बात के ऊपर नहीं है टॉपिक, टॉपिक ये है कि इथियोपिया एक बहुत ही गरीब, बहुत ही परेशान, वार से ग्रसित एक देश है, समझ में आ रहा है, जहाँ के लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। कैसे भागते हैं? इथियोपिया से बगल में एक देश है जिसको कहते हैं जिबूती, जिबूती जाते हैं, जिबूती से एडेन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एडेन, गल्फ ऑफ एडेन में क्या है? एडेन है। एडेन के बारे में एक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एडेन कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, तुम्हें पता है ये बात? 1936 में आई थिंक एडेन को क्या किया गया है, भारत से अलग किया गया है। भारत का हिस्सा म्यांमार भी हुआ करता था, भारत का हिस्सा एडेन भी हुआ करता था, ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये भारत का हिस्सा था कभी 100 साल पहले, समझ में आ रहा है, यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, ओके, ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ से चलता था? बॉम्बे से चलता था, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद इसको अलग कर दिया गया, और यू कैन सी आउट हियर, ये लोग क्या करते हैं, जिबूती आते हैं, एडन आते हैं, एडन के बाद फिर वो कहाँ जल जाते हैं, तुम्हारा ये अल रक माइग्रेंट कैंप, ओके, यहाँ पर सादा के पास यहाँ पर माइग्रेंट कैंप है, यहाँ जाते हैं और यहाँ से सऊदी अरेबिया इंटर कर जाते हैं। अब यहीं पर इनसे दिक्कत हो गया, पिछला एक साल में सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, भयंकर मारा है लोगों को। मतलब ये इथियोपियन का अगर तुम थोड़ा सा देखोगे वीडियो को तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस है, यू कैन सी आउट हियर। मतलब बहुत सारे ऐसे जो इथियोपियन हैं उनको गोली मार दिया, उनको बम से उड़ा दिया सऊदी ने, समझ में आ रहा है। कहने के लिए तो ये वो देश है जहाँ पर शांति का पैगाम यहाँ से निकलता है, समझ में आ रहा है। कभी सुने हो कि भारत ने क्या किया है, रोहिंग्या पर बम मार दिया है, ऐसा कोई न्यूज़ आया है? भर दिया है रोहिंग्या तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में, पता ना प्रशासन क्या कर रहा है, आई डोंट नो, पूरा तुम्हारा जो दिल्ली है वो बांग्लादेशी से भर गया है। लेकिन कभी तो सुने नहीं होगे कि इस तरह से गोली मार दिया है, बम मार दिया है ना। अगर भारत ऐसा कर देता तो अरे हिंदू राष्ट्र है, उसने क्या किया, मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की है, और एक ऐसा सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है, समझ में आ रहा है, जहाँ पर मक्का मदीना है, ओके, और वो क्या कर रहा है, मुसलमानों को इस तरह से मार रहा है, समझ में आ रहा है, बम से उड़ा दे रहा है। अभी तुम कुछ फोटोज देखना, एक ह्यूमन राइट वॉच है वो रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबियन बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ इथियोपियन माइग्रेंट को मार चुके हैं, जो असाइलम लेने आते हैं उनको मार दिए हैं। और ये कब से कब हुआ है? मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, ये जो यमन और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है वहाँ पर हुआ है। लेट मी शो यू कहाँ पर हुआ है, यू कैन सी आउट हियर। ये जो यहाँ से देखो यमन में आ जाते हैं, सादा के पास यहाँ पर है, यहाँ से वो क्या करते हैं, चढ़ाई करते करते यमन, देखो यमन में भी लड़ाई चल रहा है, ठीक ना, हौती रेबल्स और तुम्हारा वहाँ का जो गवर्नमेंट है उनके बीच में लड़ाई चल रहा है, और हौती रेबल्स के अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया है, समझ में आ रहा है। तो ये जो देश है वो भी वार से ग्रसित है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसमें, ओके, और उसमें भी क्या कर रहे हैं ये इथियोपिया वाले, यहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ इंटर कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ से यहाँ इंटर कर रहे थे ना, तो उसी समय यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके ऊपर गोला बारूद से हमला कर दिया जा रहा है। अरे आप अरेस्ट कर लो ना, अरेस्ट का तरीका होता है ना,
कि इंसान देखोगे मारे लगोगे, सामने वाले के पास बंदूक रहेगा तब ना। ये लोग क्या हैं, असाइलम सीकर हैं, इनको कुछ दिक्कत है इसलिए वो अपने देश छोड़ करके भाग के आ रहे हैं बेहतर जिंदगी के लिए। तुम क्या कर रहे हो कि जान से मार दे रहे हो। ओके, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंट्री, पर कोई वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री से 30 दिन तक शायद बैठ करके, जो सिप है ना उसके आगे वाला जो पोर्शन होता है उस पर वो लोग बैठ करके ब्राज़ील गए। समझ में आ रहा है कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन ठीक है, जा रहे हैं बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो ब्राज़ील ने क्या किया, बम मार दिया उसके ऊपर, कि ब्राज़ील ने उसको उतारा, पानी वानी पिलाया, बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना सारा फॉर्म वॉर्म भरो, तुमको कुछ काम वाम मिलेगा यहाँ पर। जबकि ब्राज़ील कोई उस तरह का देश भी नहीं है, सऊदी अरबिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बम मार दे रहे हैं। ठीक ना, ग्रेवयार्ड तक पता चल गया है कि कहाँ पर इन लोगों को दफन करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है इस रीज़न में यहाँ पर कर रहा है। एक्सप्लोसिव वेपन्स आर यूज्ड, देखो एक्सप्लोसिव वेपन्स का यूज़ कर रहा है। पीपल वर ऑल्सो फायर्ड अपॉन एट क्लोज रेंज इंक्लूडिंग वोमेन एंड चिल्ड्रन, किसी को नहीं छोड़ रहा है। वी वॉक्ड इन ग्रुप्स मिनिमम 300 पीपल एंड मोस्ट ऑफ द ग्रुप वॉज फीमेल। देन देर वॉज फायरिंग फ्रॉम द बॉर्डर गार्ड एंड दे वर फायरिंग बिग रॉकेट लॉन्चर एट अस। क्या है लास्ट पॉइंट, इट वॉज लाइक ए बॉम्ब ऑफ द 300 पीपल। 150 मर गए, समझ में आ रहा है, 150 मर गए, सबको को गाड़ दिया कहीं ना कहीं। यू कैन सी आउट हियर, बम से मारा है तब ना इस तरह का सिचुएशन है। ओके, तो ये है तुम्हारा सऊदी अरेबिया, पीस लाएगा इस तरह से बम से उड़ा उड़ा के। HRW इंटरव्यूड 42 इथोपियन माइग्रेंट जिसके जो फैमिली और फ्रेंड हैं वो मर चुके हैं। ह्यूमन राइट वॉच जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंटरव्यू किया, उसने बताया कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। सेटेलाइट इमेज मिला है ग्रेव्स का, ये देखो ये सारे ग्रेव्स हैं कहाँ पर, माइग्रेंट कैंप जो यमन में है उसके पास ये सारे ग्रेव्स के फुटेज मिले हैं, जो बता रहा है कि यस किस तरह की हैवानियत सऊदी अरेबिया ने किया है। HRW counted 12 graves in early 2022 and at least 72 as of June. देख रहे हो जहाँ पर 12 था वह सैटेलाइट इमेज देखो कितना बढ़ते जा रहा है। कैसे मर रहे हैं ये सब, मारा जा रहा है सऊदी अरेबियन की तरफ से। ओके, accuses सऊदी अरेबिया ऑफ सिस्टमेटिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑफकोर्स वो कर रहे हैं ना, इंसानियत के विरुद्ध में वो जुर्म कर रहे हैं और सिस्टमेटिक रूप से वायलेंस कर रहे हैं। ओके, देखो हर एक देश को डर लगता है कि उनके देश में अगर माइग्रेंट आएंगे तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, लेकिन फिर भी हर देश माइग्रेंट लेता ही है। भारत के साथ दिक्कत क्या हो जाता है कि भारत का बॉर्डर बहुत ज़्यादा पोरस है, जिसके वजह से भारत का जो सिक्योरिटी फोर्स है वो चप्पे चप्पे पर ध्यान नहीं रख पाता है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें मणिपुर में इस तरह की अस्थिरता दिखाई देती है, हमारा नॉर्थ ईस्ट अच्छी तरह से स्टेबल नहीं रह पाता है, हमारा जो बंगाल है वो स्टेबल नहीं है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली में क्या होता है, ये सारे माइग्रेंट्स घुस करके अशांति फैला सकते हैं। तो डर तो हमें भी लगता है लेकिन इसके अगेंस्ट में अमानवीय कार्रवाई हम लोग नहीं कर देते हैं। समझ में आ रहा है ये बात, वो अलग बात है कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई इंटर करे और हमें पता चल जाए तो उनका एक डाटा बना करके उन्हें फिर से डिपोर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर भी ये सरकार विफल हो जाती है तो एकदम क्वेश्चन उठाना चाहिए कि इस तरह के माइग्रेंट भर कैसे रहे हैं, खाली चिल्लाने से काम थोड़ी ना चलेगा। ओके, वाइल सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू प्ले एन इवन बिगर रोल, क्या बोल रहे हैं देखो ह्यूमन राइट वॉच के ये हैं, ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, देखो बिगर रोल इंटरनेशनल स्टेज पर, एंड इंटेंट ऑन वाइट वॉशिंग एंड स्पोर्ट वॉशिंग इट्स इमेज इंटरनेशनली, इट इज साइमल्टेनियसली फायरिंग एक्सप्लोसिव वेपन एट अनआर्म्ड सिविलियन। ठीक है, ये बम से मार रहे हैं अनआर्म्ड सिविलियन के ऊपर और अपना इमेज को ठीक कर रहे हैं। नो वन कैन एक्सेस दिस एरिया, इस एरिया में कोई जा नहीं सकता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड सऊदी अरेबिया अकाउंटेबल। हम लोग नहीं सऊदी अरेबिया को अकाउंटेबल कर सकते हैं लेकिन सैटेलाइट इमेज तो बता रहा है कि यस सऊदी अरेबिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डेथ, और इनका जो ये है तुम्हारा स्टेटमेंट है वो भी यही बता रहा है। ठीक है, देखो जियो लोकेट बरियल साइट, ये देखो ये ब्यूरियल साइट है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर दफनाया हुआ, यहाँ पर जहाँ से घुसेगा वहाँ मारेंगे, यहाँ से घुसेगा मार के यहाँ पर गाड़ देंगे, यहाँ है यहाँ है, देख रहे हो। सऊदी गवर्नमेंट सोर्स कॉल दिस एलिगेशन अनफाउंडेड, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। HRW का बहुत अच्छा डिमांड है कि यूनाइटेड नेशन बैक्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, UN की एजेंसीज आके यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करें, पता करें कि रियलिटी क्या है, जब पता चल जाएगा
तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया।